सर मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हो टेक युक्ति। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसुस के वीवो बुक की, जो कि लोग काफ़ी सारे लोग उसको मैकबुक से कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि इसके स्पेक्स क्या है, फीचर्स क्या है, इसके प्रो क्या है, कौन क्या है। सबसे पहले हम लोग इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें तो भाई ये जो है ये लैपटॉप काफ़ी पतला है, यानी लाइट एंड वेट की कैटेगरी में आता है। 1.2 kg का लैपटॉप है और 1.2 kg के हिसाब से ये लैपटॉप बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इसका जो प्रोसेसर है वो i5 8th generation का प्रोसेसर है, यानी कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। इसके अंदर आप गेमिंग कर सकते हो, इसके अंदर आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए आप काउंटर स्ट्राइक खेल सकते हो 720p में, और वो भी एकदम लोएस्ट रेजोल्यूशन में। तब जाके वो 80 या 70 FPS पे आपको देगा। और बाकी अगर आप गेमिंग के हिसाब से ले रहे हो तो आप ये लैपटॉप मत लो। इस लैपटॉप की एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये है कि वो इसकी बैटरी, यानी कि इसकी जो बैटरी है वो पूरे दिन लास्ट कर सकती है अगर आप कोई वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप जैसी चीज़ें यूज़ करते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है अगर आप डे टू डे यूज़र हो, यानी कि आप फोटोशॉप यूज़ करते हो या फिर आप कभी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रीमियर प्रो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो और आपको पूरे दिन की बैटरी बैकअप मिल जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। सो यार बात करते हैं अब इसके डिस्प्ले की। और इसका डिस्प्ले जो है वो 1080p का 14-inch का डिस्प्ले है। साथ ही साथ इसके अंदर 178° का वाइड एंगल व्यू मिलता है। और देखा जाए तो इसके स्क्रीन के ऊपर अपने को कैमरा मिलता है, जो कि काफ़ी एवरेज है, क्योंकि हर लैपटॉप का कैमरा मेरे ख्याल से तो एवरेज ही होता है। और देखा जाए तो अच्छा है कैमरा, जो उसकी स्क्रीन है वो काफ़ी अच्छी है। और जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर के जो कलर है, जो वाइब्रेंट है, वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और जब आप वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस लैपटॉप की एक और चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये है कि इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है। और ये फिंगरप्रिंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो फिंगरप्रिंट है ये काफ़ी फास्ट है, यानी कि मैं इसको जैसे कि देख सकते हो एकदम हल्के से टैप किया और ये फिंगरप्रिंट कितना अच्छा चल रहा है। तो यार ये फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छा डिटेक्ट कर लेता है, तो ये मुझे इसका फीचर अच्छा लगा। अब बात करते हैं इसके स्पीकर की। भाई स्पीकर इसका नॉर्मल है, यानी कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे हो, जैसे कि मैं फ़िलहाल हूँ यहाँ पे कैफ़े में। और जैसे कि आप लैपटॉप की आवाज़ सुन सकते हो कि वो आवाज़ कैसी आ रही है। सो अच्छा है काफ़ी, मैं इतना भी नहीं बोलूँगा, इतना अच्छा है कि आपको सारे बेस, धूप, धाप सब सुनाई देगा, लेकिन अच्छा है, यानी कि आप पब्लिक प्लेस में भी आप उसको सुन सकते हो। डिज़ाइन के साथ साथ इसके अंदर जो कीबोर्ड दिया है वो बैकलिट कीबोर्ड है, यानी कि जो आपको मैकबुक में मिलता है। साथ ही साथ एक और बात मैं बता दूं कि इसके अंदर आपको ब्राइटनेस के लिए 3 options मिलते हैं, जो इसकी इनबिल्ट लाइट है। उसके अंदर आपको 3 levels मिलते हैं, जिसमें आप एक में नॉर्मल, दूसरे में और तीसरे में फुल पे रख सकते हो। और इसकी लाइट अच्छी है, क्योंकि मैं इसको पब्लिक प्लेस में मैंने इसकी लाइट ऑन रखी थी और वो मुझे दिख रही थी। इसका जो माउस पैड है वो काफ़ी अच्छा काम करता है, यानी कि मैकबुक जितना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप मैकबुक यूज़र हो या फिर आप कोई माउस यूज़र हो, उतना अच्छा एक्यूरेट नहीं है। इसके अंदर सारे जेस्चर्स है, साथ में इसके जो बटन है वो काफ़ी क्लिकी है। देखो यार ये लैपटॉप्स के कुछ कॉन्स भी है जो मुझे काफ़ी बेकार लगे, जो बहुत बुरी लगी मुझे। सबसे पहला इसका प्राइस फैक्टर, क्योंकि ये लैपटॉप आता है 60,000 rupees में। मेरे पास जो वेरिएंट है वो 8GB 256GB वाला वेरिएंट है। इसके अंदर 3 variant आते हैं, मेरे पास 8GB 256 वाला वेरिएंट आया है। दूसरा जो इसका पॉइंट है यार, वो इसके अंदर की ग्राफिक कार्ड नहीं है, यानी कि अगर आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाता, 2GB का ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता, तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता और एडिटिंग अच्छी हो जाती। इसके अंदर आप एडिट कर सकते हो, मैकबुक एयर के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन आपको किसी भी तरह का ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता तो मेरे ख्याल से आप इसमें गेमिंग नहीं कर सकते। और जो गेमिंग अगर देखी जाए, यानी कि अगर आपको गेम खेलने का इंटरेस्ट है, तो भाई आप काउंटर स्ट्राइक खेल सकते हो 80 FPS के आसपास में। हाँ मतलब 80 से 70 FPS के आसपास में आप गेम खेल सकते हो काउंटर स्ट्राइक। लेकिन अगर आप GTA के बारे में सोच रहे हो या फिर Fortnite के बारे में सोच रहे हो, तो भाई भूल जाओ, वो आप इसमें नहीं खेल सकते। ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे पसंद नहीं आई। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और ऐसे ही आपको रिव्यू और वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको ये लैपटॉप खरीदना है तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ वहाँ से आप लैपटॉप खरीद सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करके जाना, शेयर करते जाना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भेजो यार जिनको देखने में इंटरेस्ट है। और मैं हरीश टेक युक्ति से